ऊपर ब्लैक वाला निकालो अजलान का, ए? और हाँ फिर वो रेड वाला निकालना, फिर वो वाला निकालना। बरकातहू, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। फिल वक्त तो बहुत 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 खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ बैंगलोर। यस, बैंगलोर जा रही हूँ मैं मेरे मायके जा रही हूँ। और ये खुशी हमेशा बहुत होती है कि अपने ससुराल से मायका जाना, इट्स लाइक गोइंग ऑन अ हॉलीडे। एंड यस, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बार बार जाने का मौका मिलता है। मेरा ससुराल बहुत ज्यादा अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह से, बट फिर भी अपने मायके जाने की खुशी के नॉट बीट एनीथिंग। मैं और अजलान जा रहे हैं बैंगलोर, आरिज रहेंगे यही, सो वी विल मिस हिम, बट यस आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई नो अजलान इज आल्सो वेरी एक्साइटेड। तो चलो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, यही बात पर चलो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चलो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो हम जा रहे हैं बैंगलोर, मिस करेंगे आपको, आपको भी, आप मिस करेंगे अजलान को, माँ को भी। हम तो मजे करेंगे भाई, तुम्हारी तो मजे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अभी लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट, और मम्मी को है सरप्राइज, मम्मी को मालूम नहीं है, नहीं मालूम है। मम्मी को मम्मी को कुछ बोली ही नहीं हो, मम्मी घर पे जाओगी कैसे? मम्मी घर पे है ना, जाएंगे और सरप्राइज देंगे। बाकी ईमान सारा उन लोगों को तो पता है कि मैं आ रही हूँ, सिर्फ मम्मी को नहीं मालूम। वैसे भी सब लोग बहुत मिस कर रहे थे ईमान सारा को व्लॉग में लेने के लिए, तो आज से जो है आपको ईमान सारा दिखेंगे व्लॉग में, और आरिज थोड़े दिन के लिए नहीं दिखेंगे। जा रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट, बहुत लेट हो रहा है। अजलू देख नहीं रहे, एक्चुअली अब्बू नहीं लेके जा रहे हैं आपको, मम्मा लेके जा रही हैं। ठीक है, मजे से जो आप बैठे हैं ना सामने आगे की सीट में, क्या बोल रहे हो? हाँ, वो बोल रहा है कि यार छोड़ो मम्मा, अब्बू चाहे तो अभी का भी आ सकते हैं, है ना, बट नहीं आएंगे। अच्छा, कभी भी आ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आरएस हमें कभी भी सरप्राइज दे सकते हैं। पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट, ऑलमोस्ट देयर, ये मजा आएगी ना। अजलान, अजलान की पुप्पी भी हमारे साथ चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग अजलान की फूफी को बैंगलोर दिखाएंगे इंशाल्लाह, घुमाएंगे फिराएंगे, बहुत मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। आपको तो मैं, आप लोगों को तो मेरा एक्साइटमेंट दिख ही रहा होगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, देखते हैं घर पे कौन कौन रहता है जाने के बाद। अभी तो फिलहाल दिन बहुत अच्छा है, दिन में ना आजकल मुंबई बहुत अच्छा लगने लगा है। हाँ, वैसे हम दिन में बाहर नहीं जाते थे ना, तो इसलिए शायद मुझे मालूम नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली वो वाले सीजन में ना जो अच्छा, हाँ इसीलिए, वरना ह्यूमिड ह्यूमिड जैसा वेदर वो अच्छा नहीं है, ये वाले वेदर में मुंबई दिन में अच्छा लगने लगा है। जनवरी फरवरी, एक्चुअली दिसंबर से फरवरी होता है ना, मार्च भी थोड़ा होता है, हाँ। ठंडी हवा रहती है, इस टाइम पे ना बाहर जाने में अच्छा मजा आता है, दिन में बाहर जाने में कम होते जा रहा है दिन पर दिन। वरना पहले क्या होता था, जब गर्मी होती है दिल ही नहीं करता बाहर निकलने का। गर्मी खाली दो ही महीने होती है, वो भी अप्रैल और मई में, जून उन में बारिश स्टार्ट हो जाती है, और अक्टूबर में होती है थोड़ी गर्मी बस, बाकी नवंबर मैं वही सोचूं, दो दिन से हम जब जा रहे हैं ना बाहर, तो इतना अच्छा मौसम कैसा लग रहा है दिन में, मतलब नाइस सनलाइट आल्सो एंड देन गर्मी भी नहीं, हवा भी चल रही है, काम चल रहा है, इसके वजह से पूरा वो है, थोड़ा क्या बोलते हैं, पोल्यूशन हो गया थोड़ा, ये मौसम अच्छा रहता है, मैंने कहा गलत मौसम में जा रही हूँ, तुम समर में, ठीक है छोड़ो, समर में भी चले जाएंगे। पहुंच गए हम एयरपोर्ट,
ये लोग कहाँ हैं? वालों पीछे पीछे एक और गाड़ी आ रही है हमें सी ऑफ करने के लिए, हमें मतलब हमें नहीं, मुझे नहीं, अजलान को सी ऑफ करने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ, इतने सारे लोग आए हैं सी ऑफ करने, माशाल्लाह। अजलान को रोना भी आ रहा है, वो नहीं जाना आपको नानी के घर, आपको दादा के घर में रहना है। ओ माई गॉड भाई, ऐसे लोग आए हैं ना, भर भर के लोग आए एक और गाड़ी में, जैसे अजलान हज या उमरे पे चले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, जा रहे हैं चेकिंग करने। चेकिंग जो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। बैंगलोर जैसे मतलब बैंगलोर के एयरपोर्ट की बात नहीं आएगी। अजान जो है सो चुके हैं फिलवक्त, आराम से सो रहे हैं। बीच में बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, मुझे तो लगा कि आरस को याद करके रो रहे होंगे, आंसू के साथ दुख के साथ रो रहे थे मेरा बच्चा, और अभी सो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई जस्ट होप कि वो फ्लाइट में भी सोता रहे और ज़्यादा तंग ना करे। अभी हाफ एन आवर टाइम है हमारी फ़्लाइट के लिए, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ कुछ खा लें। चलो जाके देखते हैं क्या है पहले। ओहो, दिस लुक्स सो यमी, लेंट मिल्क आइस। साहबजादे भी उठ गए हैं। अस्सलाम, चिकन टिक्का सैंडविच इज आल्सो हियर एंड अजलान इज आल्सो हियर सिटिंग नेक्स्ट, द चॉकलेट क्रोसॉन इज आल्सो हियर। अजलान अजलान देख देख के है ना मन कर रहा है आपका भी खाने का, है ना, है ना, है ना? क्या देख रहे हैं? मम्मा को देख लो, लू इज ट्राइंग टू होल्ड द फोन। हजलू के अब्बू फोन किए हैं, आरस फोन किए थे कि हमारा फ्लाइट का टाइम हो गया है, बहुत लेट हो गया है, तो वी आर गोना पार्सल एवरीथिंग राइट नाउ, और पार्सल कर दीजिए ना जल्दी, हमको जाना है फ्लाइट। निकल चुके हैं, फाइनल कॉल था तो जल्दी जल्दी जाना है हमको भी गेट के पास। सुबह को मैंने बोला कि तुम बेबी को और प्रैम को लेके आओ आराम से, और मैं जाती हूँ गेट के पास, एटलीस्ट वो कॉल नहीं करेंगे। बैक टू बैक हमें कॉल कर रहे थे कि फाइनल कॉल हो गया, मैम आप लोग कहाँ हैं। वो आरएस को भी कॉल किए है, दैट इज़ व्हेन ही कॉल्ड मी एंड इज लाइक, यार जाओ तुम गेट के पास, कहाँ हो, क्या कर रही हो। हमें पता ही नहीं चला कि 15 मिनट कहाँ चले गए। हमेशा ऐसे ही करती हूँ मैं, हमेशा आई मिस माई फ्लाइट, पर आरएस इज़ नॉट विथ मी। आई जस्ट होप कि ये इस बार मिस नहीं की। वो सब लोग चेक इन कर लिए सर, सब लोग बोर्ड इन कर लिए, लाइन ही नहीं है, देख रहे हैं आप, कोई है ही नहीं गेट के पास। बट दिस विस्तारा पीपल आर वेरी स्वीट, सो हमको जाने दिए। एक्चुअली कोई और एयरलाइंस होती तो आई डोंट थिंक सो हमें जाने मिलता, दिस विस्तारा पीपल आर वेरी स्वीट, तो इसलिए हमको जाने दिए, क्योंकि वो हमको कॉल कर रहे थे बार 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 बार। अजलू अब प्लीज मत रोना बेबी, बोर्डिंग द फ्लाइट राइट नाउ, फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं अभी। संकेत बंद होने तक अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहे। ऊपर बने सामान कक्ष सावधानी से खोले। सभी यात्री जो विस्तारा की अन्य उड़ानों से आगे सफर कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे हमारे ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करें। जो कपड़ा आ गया है, यस जस्ट पुल दैट, लास्ट टाइम मैं जब मुंबई गई थी तो T2 से ही गई थी यही वाले एयरपोर्ट में, और अभी हम फिर से यही एयरपोर्ट में लैंड हुए हैं। तो हम जब गए थे वो डिपार्चर था, अभी अराइवल है, तो देखते हैं कि अराइवल वाला
कैसा है एयरपोर्ट। मैं पहले भी आ चुकी हूँ बट इतने ध्यान से देखी नहीं थी मैं लास्ट टाइम, क्योंकि अजलान थे तो जल्दी जल्दी में उतना नोटिस नहीं किया था कि कैसा है एयरपोर्ट। तो अभी ध्यान से देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो हम जा रहे हैं अभी हमारा लगेज कलेक्ट करने के लिए। जैसे ही हम एंटर होते हैं ना तो ये दिखा देता है ये वाला फाउंटेन, एंड दिस प्रूव्स दैट ओके बैंगलोर इज सो ग्रीन एंड सो ब्यूटीफुल। सी, कैन यू सी द वाटरफॉल? आई डोंट थिंक सो आप इतने अच्छे से देख पाएंगे जितना मैं अच्छे से देख पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बीच में ग्लास है ना, तो इसलिए। अदरवाइज फ्रॉम हियर इट लुक्स रियली नाइस। इधर आ जाओ, अजलान की फुप्पी को वेलकम करते हैं। वेलकम टू बेंगलुरु। हे गिदिरा नीवु, हे कांस्ता इदे निमगे बेंगलुरु एयरपोर्ट चेन्नागिदिया? तो वो थी कन्नड़ा लैंग्वेज। अभी हम यहाँ की उर्दू में बात करते हैं। कैसा दिख रहा है तुम ना एयरपोर्ट? अच्छा दिख रहा है? कैसा लग रहा है तुम ना बेंगलुरु को आको? बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम बेबी केयर रूम में आए हैं, अजलान के प्राइवेट रूम में। अजलान को ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, एंड आई थिंक दिस वन रूम, नॉट वन रूम, देयर आर मेनी रूम्स लाइक दिस इन दिस एयरपोर्ट पर्टिकुलरली, और ये देख के अजलान को बहुत अच्छा लगता है। ये सब है ना कार्टून, लास्ट टाइम भी है ना बात कर रहे थे, देखो फिर स्टार्ट कर दिए बात करना। लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे इन सारे कार्टून से, अभी भी बात कर रहे हैं। यहाँ आए हैं तो सब लोग है ना मोटे मोटे जैकेट्स पहन के घूम रहे हैं, जैसे बहुत ठंडी है बाहर। एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ द टेम्परेचर हियर, क्योंकि मम्मी से भी बात नहीं हुई थी और मम्मी के लिए तो सरप्राइज़ है। अच्छा, लिफ्ट में जा, लिफ्ट आई है इधर, और मैं आपसे आप लोगों से बात करते करते लिफ्ट ही भूल गई। चलो चलते हैं। बेस्ट पार्ट ये है ये एयरपोर्ट की कि यहाँ पे हर जगह जगह बगी है, तो अगर आप चाहें तो आप बगी में भी बैठ सकते हैं। बट जैसे कि हमारा प्रैम है तो इसीलिए फोल्ड करना, फिर उसमें रखो, फिर यू नो अजलान को बगी में लेके जाओ, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने सोचा कि चलो एक वॉक ही ले लेते हैं, एंड उतना भी दूर नहीं है बेल्ट, तो इसलिए हम वॉक करके जाते हैं। तो अराइवल पे, और ये हैं बैगेज क्लेम। तो हमारा कौन सा वाला बेल्ट है मुझे नहीं मालूम, अनाउंस कर रही थी ना, पता नहीं मेरा ध्यान किधर था, अजलान के ऊपर था ऑफकोर्स कि हमें फ़्लाइट से निकलना है एंड स्टाफ, तो मुझे याद नहीं है कोई कौन सा वाला बेल्ट है, तो अभी चेक कर लेते हैं कौन सा बेल्ट है एंड देन विल पिक अप आवर लगेज। बीच में अजलान चिल्लाने लगे थे तो आई एम जस्ट फीडिंग हिम सम मिल्क। इस तरीके से बड़ा बैंगलोर से हो? चलो बेटा हम आपको लेते हैं, चलो। तो ये रहा बैंगलोर एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, प्लस यहाँ पे बहुत सारे एलईडी मतलब स्क्रीन्स लगाए जहाँ पे बटरफ्लाईज एंड इट्स लाइक और जंगल का ना वो थीम बहुत ही प्यारा बनाया है। अभी अजलान को बहुत पसंद आ रहा है, देखो अजलान ये सब देखने में अजलान को बहुत अच्छा लगता है। देखो, यू सी दिस इन रियल इट इज मच मोर नाइसर एंड बेटर, माशाल्लाह। Getting anxious right now. अभी उनको हमारी गोदी में आनी है
पहुंच गए बेटा, थोड़ी देर सबर कर लीजिए, सिर्फ कार में जाएंगे फिर आपको गोदी में ले लेंगे। ओके ओके मम्मा इस बार ठीक ही हो। ओके बेटा पहुंच गए हम लोग। पहचान भी आया हमको वेलकम करने के लिए बैंगलोर। ये एयरपोर्ट में ना थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे पिकअप पॉइंट के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग। खुद अब फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि आप जब आएंगे तो नीचे जाना पड़ेगा आपको बेसमेंट में। तो पिकअप पॉइंट वहाँ है बट लिफ्ट यहाँ है ना, नीचे जाएंगे। हाँ बेसमेंट में जाने बोला ना वो, हाँ तो यहाँ से जाएंगे। हाँ तो लिफ्ट यहाँ है, देखो लिफ्ट यहाँ है, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। सो इट्स रियल कंफ्यूजिंग क्योंकि टर्मिनल वन एयरपोर्ट में जो है इट्स वेरी इजी मतलब आप निकलो एंड देन वहाँ पे पिकअप पॉइंट है। यू सी दिस पार्ट इज सो गुड माशाल्लाह नियर द लिफ्ट। चलो चलो अभी लिफ्ट में चलते हैं। चलो हमारी कार आ गई। ऑन द वे गोइंग होम, आई थिंक 20 मिनट्स में रीच हो जाएंगे हम लोग घर पे। एंड माई मॉम इज गॉट नो आइडिया, मम्मी को कोई आइडिया नहीं है कि हम घर आ रहे हैं। एंड आई डोंट नो शी इज गोना बी शॉक सरप्राइज वॉट, आई डोंट नो। ईमान लोग को भी मैंने बुला लिया कि ईमान आओ घर पे जल्दी, कुछ काम है, तो उनके लिए भी एक सरप्राइज होगा। तो लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड उन सबको सरप्राइज देना। मुझे ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज देना अच्छा लगता है, तो देखते हैं सरप्राइज होती है या फिर उनको मतलब पता है या नहीं है। हम लोग आ गए हैं, जा रहे हैं ऊपर। मम्मी को बहुत अच्छा सरप्राइज मिल गया है और मम्मी बहुत सारा प्यार कर रही हैं अजलान को, एंड अजलान इज ऑल्सो हैप्पी। और अगर ये व्लॉग आपको भी खुश किया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारा प्यार दें। और हमें आपको हमें आपकी दुआओं में याद रखें आपको भी हम अपने दुआओं में याद रखें। तब तक अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो तक।